मेहता का उल्टा चश्मा। हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने और कब की थी? सर वो ठीक से याद नहीं है। ए, तुम बताओ। सर मैंने पढ़ा था पर। अरे इस पर से कब बाहर निकलोगे तुम लोग? आज शाम को ठीक 6 बजे मैं मैथ्स की टेस्ट लेने वाला हूँ, उस वक्त मुझे कोई भी कारण नहीं चाहिए, मैं किसी को भी सवाल पूछूंगा, कर लेना। अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, सुखसागर सोसाइटी है ना वहाँ पे। सुखसागर सोसाइटी के पास में मैरिज ब्यूरो है ना, वहाँ पे मुझे छोटा सा काम है, तो चलते हैं दोनों भाई साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे। कुछ टेंशन में लग रहा है, बात क्या है? अरे बच्चों की एग्जाम सर पे है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे भाई बच्चों का ऐसा ही होता है, पूरा साल मस्ती करते और फिर एग्जाम के पहले पढ़ाई पूरी कर लेते। तू बिल्कुल टेंशन मत ले भाई, तू बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, देखना तेरे स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास मार्क से पास होंगे। अरे वो तभी होंगे ना जब वो पढ़ाई करेंगे, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, सीरियसली पढ़ाई नहीं करते। अरे ऑनलाइन क्लासेस इतना मुश्किल कर दिए। ओ भाई वो भिड़े, ठीक से चला भाई, पर ना तेरे ऑनलाइन के चक्कर में हम ऑफलाइन हो जाएंगे। एक दूसरे के लिए मैरिज ब्यूरो। भाई भिड़े मैं 2 मिनट में फटाफट अपना काम निपटा के आता हूँ, तू अपना काम निपटा के मुझे यही मिल। पोपटलाल मैं 5 मिनट पे आ जाऊंगा, तुम फटाफट आ जाना। अरे भाई तेरे आने के पहले तुझे मैं यहाँ खड़ा मिलूंगा। अरे खड़ा तो तब मिलोगे ना पोपटलाल, जब यहाँ से उठोगे। चला था उशू होता। बैग ले, बैग ले। थैंक यू भिड़े। जल्दी करना, लेट मत करना। पटलाल जी आइए। गुड मॉर्निंग गीता जी। गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ है आप? अरे मैं पूरे साल आपके फोन का वेट करता रहा, आपका एक फोन नहीं आया। मुझे शादी करनी है। एक्सक्यूज मी? नहीं मतलब आपने रिश्ते के लिए कोई फोन ही नहीं किया ना। सीधा रिन्यूअल के लिए फोन कर दिया। अब क्या करे पोपटलाल जी, आपको तो पता ही है 2020 कैसा गया है। 2020 एकदम 19-20 गया है। फिर भी हमने आपको 4 रिश्ते भेजे थे। अरे वो रिश्ते थे, रिश्ते की बात आगे बढ़े उसके पहले जैसे ही लड़कियों को NRI लड़कों के रिश्ते आए, वो उनके साथ फुर्र हो गई। आप टेंशन मत लीजिए पोपटलाल जी, 1 हफ्ते के अंदर रिश्ते के लिए आपको हमारे यहाँ से कॉल जरूर आएगा। गीता जी आप सिर्फ बोलती है और एक एक हफ्ता करते करते पूरे 52 हफ्ते निकल जाते हैं और फिर आपका फोन आता है लेकिन सिर्फ रिन्यूअल के लिए। गीता जी आपका कोई भाई है? नहीं। तो मुझे अपना छोटा भाई समझिए और प्लीज मेरे लिए रिश्ता ढूंढिए। हम लोग आपके लिए जरूर रिश्ता ढूंढेंगे। लीजिए पोपटलाल जी आप ये रिन्यूअल फॉर्म भर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। पोपटलाल नहीं है अभी तक? बड़ा बोल रहा था कि तेरे आने से पहले आप खड़ा मिलूंगा। पोपटलाल जी हाँ। इस बार ना आपको एनुअल मेंबरशिप फी के अलावा 200 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 200 रुपए एक्स्ट्रा? किस बात के? SMS अलर्ट चार्जेस हैं। SMS अलर्ट के 200 रुपए? एक मिनट, फोन काट दिया। अरे मेरे ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो रहा है, अभी तक नहीं आया। जाओ दे मैं जाता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको लीव अगर गया तो सोसाइटी में आके हंगामा खड़ा कर देगा, मैं ही जाके देखता हूँ। देखिए आप बात को समझिए, आपकी मेंबरशिप फीस में। पटलाल जी अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये कंपनी की पॉलिसी है, आपको देने पड़ेंगे। अरे 200 रुपया तो क्या, मैं आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाला। पटलाल ओ चलो ना भाई, लेट हो रहा है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस है मेरे भाई। एक मिनट। अच्छा पोपटलाल जी आपके लिए ना एक ऑफर है। हाँ दीजिए। अगर आपके रेफरेंस से आपके ये फ्रेंड हमारे मैरिज ब्यूरो में मेंबरशिप लेते हैं तो हम आपको 1 साल की फीस में 2 साल का रिन्यूअल देंगे। अच्छा ये अच्छा क्या अच्छा, देखिए मैडम मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी भी है। हाँ सॉरी। हाँ चलो भाई चलो, अभी लेट हो रहा है चलो। अरे एक मिनट रुको ना भाई, ये लोग एनुअल मेंबरशिप फीस के साथ मुझसे 200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो भी SMS अलर्ट के। SMS अलर्ट के 200 रुपए एक्स्ट्रा कौन लेता है? हाँ बोल माधवी। आहो जरा आते आते चाय का मसाला लेके आइए ना। हाँ ठीक है, और कुछ लाना है? नहीं नहीं और कुछ नहीं। हाँ ठीक है ओके लाता हूँ। आप मेरी बात को समझिए, पूरा साल मैं आपके फोन का वेट करता रहता, आपका एक फोन नहीं आता और अभी सीधा रिन्यूअल के लिए फोन, पर अभी कह रही है 200 रुपए एक्स्ट्रा दो SMS के लिए, फिर आप कहेंगे कि कॉल के लिए एक्स्ट्रा पैसा दो, फिर बोलेंगे कि ईमेल के लिए 200 रुपए एक्स्ट्रा, फिर बोलेंगे फोन के लिए
पोपटलाल मेरी बात सुनो, तुम मेंबरशिप के पैसे तो भर ही रहे हो। हाँ तो अगर 200 रुपए नहीं भरोगे ना तो वो रिश्ते भेजने में तुम्हें लास्ट प्रेफरेंस देंगे, तो नुकसान किसका होगा? मेरा। तो फिर क्यों इतनी जिकजिक कर रहे हो? 200 रुपए भर दो ना भाई, और जल्दी चलो मेरे ऑनलाइन क्लासेस से भाई। भर दो चलो। देखिए गीता जी, मैं आखिरी बार आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा भाई। अगले हफ्ते ही आप मुझे 2-3 रिश्ते भेजेंगे। हाँ हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए, अगले हफ्ते से आपके लिए 2-3 रिश्ते जरूर आएंगे। हाँ तो अभी फॉर्म भर देता हूँ, मेंबरशिप नंबर और ये मेरी साइन, बाकी की डिटेल्स है आपके पास। ये लीजिए आपका फॉर्म और ये लीजिए। थैंक यू सर। और हाँ, ये मेरे बायोडाटा की एक एक्स्ट्रा कॉपी है, अपडेटेड रखिए। अभी क्या है ना, हमारे तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन का मैं अभी हेड हो गया। ओ हेड, चला चला आता हूँ। अरे चलो चलो चलो, ओके। हाँ बस 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 बस। अरे वाह वाह वाह, आ गए भाई। भिड़े, थैंक यू मुझे लिफ्ट देने के लिए, और सॉरी मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गया। अरे पोपट भाई, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गए। हाँ भिड़े भाई, कितने देर से खड़े हैं, कब से वेट कर रहा हूँ आपका। सॉरी प्रकाश भाई, क्या है ना, किसी को मदद करने के चक्कर में जरा लेट हो गया। भिड़े भाई, आपने प्रकाश भाई को किस काम के लिए बुलाया? हाँ अरे प्रकाश भाई, अपने जो गार्डन में ट्यूबलाइट है ना, उसमें से एक ट्यूबलाइट चालू बंद हो रही है, तो वो चेंज करवा देना, और साथ में बाकी सब भी चेक कर लेना। हाँ कितना खर्चा होगा? 1,000 रुपए। 1,000? अरे भाई, एक ट्यूबलाइट चेंज करने का और बाकी ट्यूबलाइट चेक करने का 1,000 रुपया थोड़ी होता है, ज्यादा से ज्यादा 300-350 रुपए होता है। ए भाई थोड़ा रिजनेबल कीजिए, बहुत ज्यादा है। तो एक काम कीजिए, सारा सामान आप लाकर दे दीजिए और मेरा फिटिंग का चार्ज दे दीजिएगा। हाँ ठीक है चलेगा, भिड़े आपको सामान ला के दे देगा। क्या भिड़े ला कर दे देगा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाके लेके आओ सामान। हाँ अरे भाई भिड़े, सेक्रेटरी होने के नाते ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना, तो मुझे निभाने दो पोपटलाल, तुम शांति रखो। हाँ प्रकाश भाई, आप ही काम करना और रेट जरा रिजनेबल रखना। हाँ ठीक है, शाम को आके लाइट ठीक कर दूंगा। हाँ चलो भिड़े भाई, मैं भी चलता हूँ। हाँ भिड़े, ये तूने गलत किया भाई, भाव नक्की कर लेना चाहिए था कि 300 लेगा कि 350 लेगा। काम करने के बाद ज्यादा पैसे मांगेगा तो भी, सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी के पैसे बचाना तेरा फर्ज है। पोपटलाल, मैं प्रकाश भाई को बरसों से जानता हूँ, हमेशा रिजनेबल भाव ही बोलते हैं, पर फिर भी तुम्हें लगता है ना कि उन्होंने ज्यादा बोला है, तो मैं तुम्हें 2-3 इलेक्ट्रिशियन के नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लो, अगर वो कम भाव में देने को तैयार है तो मैं प्रकाश भाई को मना कर दूंगा। हाँ ठीक है, नंबर भेज दे, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं बाद में नहीं, मैं अभी नंबर देता हूँ, तो अभी बात कर लो। हाँ मेरा मोबाइल कहाँ? अरे वही होगा भाई, जेब में, ठीक से देख चेक कर। नहीं एक मिनट, जेब में तो नहीं है। इसमें तो नहीं डाला था तूने? देखो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। डिक्की में? डिक्की में क्यों रखूंगा मैं फोन? एक काम करता हूँ, मैं तेरे मोबाइल पे फोन करता हूँ, मिस कॉल देता हूँ, अभी पता चल जाएगा। देखो ए भिड़े, रिंग जा रही है। तो मुझे क्यों आवाज नहीं आ रही है? मेरा फोन साइलेंट पे नहीं था मेरा फोन। हेलो, मेरा फोन किसने उठाया? मेरा फोन नहीं है। हेलो हेलो, ये फोन सामने लड़की है भाई, थोड़ी सभ्यता से। हेलो, हूज दिस? मैं गीता, एक दूजे के लिए मैरिज ब्यूरो से। अच्छा अच्छा, मैं पत्रकार पोपटलाल, अभी थोड़ी देर पहले आपके मैरिज ब्यूरो में आए थे। अच्छा पोपटलाल जी, बोलिए। वो मेरे दोस्त का फोन शायद आपके ऑफिस में रह गया है। शायद क्या शायद? हाँ हाँ जी जी, वो हमारे पास ही है। हाँ आप संभाल के रखिए, हम अभी आते हैं लेने के लिए। जी ठीक है पोपटलाल। देखा भिड़े, तेरा फोन सही सलामत है, तू वहाँ मैरिज ब्यूरो में भूल गया था, जा फटाफट जाके लेके आ। क्या जाके लेके आओ? अरे तुम जाके लेके आओ भाई, मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस है। तो फोन नहीं चाहिए? अरे बिल्कुल चाहिए भाई, लेकिन तुम जाके लेके आओगे, तुम्हारी वजह से भूला मैं वहाँ पे फोन। ए, कमाल करता है भिड़े, फोन तू भूला और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। पोपटलाल, मैरिज ब्यूरो में किसकी वजह से आया था? तुम्हारी वजह से। ना ही मैं मैरिज ब्यूरो आता और ना ही ये प्रॉब्लम होता। अरे तू चर्चा करने में जितना टाइम वेस्ट कर रहा है, उतनी देर में तो फोन लेके आ जाता। पोपटलाल मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हें जाना पड़ेगा फोन लाने के लिए, मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस है और मुझे फोन चाहिए। ठीक है ला हेलमेट दे, मैं फटाफट सकरम पे जाके लेके आता हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं सकरम नहीं देने वाला, पिछली बार पता है ना क्या हुआ था। कमाल करता है तू, मैं जाने के लिए तैयार हुआ हूँ और तू सकरम देने से मना कर रहा है। वे मैं चल के जाओ, इतना पास में नहीं है। तो तुम रिक्शा से जाओ, रिक्शा से आओ, पैसे मेरे से ले लेना। अरे रिक्शा के पैसे मैं दे दूंगा, पहले तू रिक्शा ढूंढ के दे, अपने एरिया में रिक्शा मिलती कहाँ है? फिर तू बाद में मुझे बोलना मत कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गए और मोबाइल आया नहीं।
ठीक है तुम जाओ सकाराम पे, लेकिन जरा संभाल के चलाना सकाराम को, और याद रखना। अरे भाई मुझे तेरे सारे नियम याद है, सकाराम को कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। काऊ बहुत टाइम लग गया आपको। तुम्हारे भाऊजी मिल गए ना नीचे। कौन? पोपट भाऊजी। तो और कौन? उसने बोला कि मेरे साथ मैरिज ब्यूरो चलो, उसके साथ मैरिज ब्यूरो गया, उसको लेके भी आया, फिर नीचे इलेक्ट्रिशियन मिल गया, उसमें टाइम लग गया। चलो अभी फटाफट मुझे मसाले वाली चाय बना के पिलाओ। हाँ हाँ फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। चाय मसाला? अरे देवा वो तो सकाराम ही रह गया। अरे तू तो जाकर लेकर आई है ना। नहीं ला सकता, सकाराम नहीं है नीचे। का कुठे गेला? अरे वो पोपटलाल को लेके मैरिज ब्यूरो गया है। ए, पोपटलाल सकाराम को लेके मैरिज ब्यूरो गया है। अरे अभी तो जाके आए ना वो। हाँ वो मैं मेरा फोन वहाँ पे भूल गया। अगर भाई कैसे? तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? तुमने फोन किया था ना मुझे आते हुए चाय का मसाला लेते आना, बस उस चक्कर में फोन वहाँ पे भूल गया मैं। और तुमको कितनी बार बोला है माधवी कि मुझे पहले से बताया करो चीजें खत्म होती है, तो तुम ना एंड टाइम पे बोलती हो। अब तुमको मालूम है ना कि बिना मसाले की चाय मुझे पसंद नहीं है, आता काय करूं मैं? काही करू नका, मेरी बात सुनिए पहले, घर में चाय का मसाला है। तो फिर मंगाया क्यों? क्योंकि वो आज के चाय के लिए ही है, और आप ही हमेशा बोलते हो ना, और अभी आपने बोला कि जो भी चीज खत्म होने आए पहले मुझे बोलो, तो मैं लाके रखूंगा। इसलिए मैंने फोन किया था कि आप आओ तो चाय मसाला साथ में लेके आना, ताकि कल भी आपको मसाले वाली चाय मिले। कर लो। सॉरी चुकलो। मधु अंटे तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूं। माधवी चाण ना। भिड़े और भिड़े। भाई ये ले तेरा मोबाइल फोन, सकाराम की चाबी, और ये थैली जो तू सकाराम में भूल गया था। इसमें वो चाय का मसाला है। काय वो पोपट भाऊजी, क्या हुआ मैरिज ब्यूरो में, कुछ बात बनी कि नहीं? तो भाऊजी वहाँ पे मेंबरशिप रिन्यू करने गए थे। हाँ लेकिन उन लोगों ने बोला है ना अगले हफ्ते फिक्स। हाँ? आ, मतलब अगले हफ्ते से रिश्ते भेजना फिक्स। वो क्या है ना रिन्यूअल बाकी था ना, तो इसलिए नहीं भेज रहे थे, लेकिन अभी अगले हफ्ते से भेजेंगे दो तीन रिश्ते रेगुलर। वाह वाह छान छान पोपट भाऊजी। पोपट भाऊजी या वेळेस नक्की होणार, बघा तुम्ही 2021 में फटाका वाजणार म्हणजे वाजणार। थैंक यू माधवी भाभी। चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे पोपट भाऊजी रुकिए, चाय पीकर जाइए ना। नहीं, चाय रहने दीजिए, मुझे अर्जेंट फोन आया था, रिपोर्टिंग के लिए जाना है, चाय फिर किसी दिन। चलिए थैंक यू, बाय बाय। वाह माधवी चाय की सख्त जरूरत थी। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को जो पढ़ाता हूँ ना, तो दिमाग इतना खराब हो जाता है ना, काय सांगू तुला। ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना मेरी लाइन तो कटी गई है। मतलब आप आजकल मुझे देखती ही नहीं हो। नहीं ऐसी बात नहीं है माधवी। हाँ बगा माधवी कहा ना आपने अभी, मतलब आप नक्की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही सोच रहे हो, वरना मैं जब रूठ जाती हूँ ना तो आप ऐसे प्यार से मधु करके बुलाते हो। ओ मधु तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी एक मुस्कान मेरे लिए टॉनिक के बराबर होती। राव दे ये चाय आपके लिए टॉनिक है। लेकिन वो किसके हाथ की बनी हुई? तुम्हारे हाथ की ना। पर ये मधु गया बाजला अलाराम, नशीबातस नहीं है मजा आत्माराम। ओहो क्या बात है, अलाराम आत्माराम। पर क्या करूं मादी, तुम तो जानती हो ना मैं सबको डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलता हूँ। ओ मैं भी डिसिप्लिन में रहूंगा ना, अभी मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है। ठीक है अभी चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। ठंडी हो गई है कोई बात नहीं, चला 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 टाइम झालेला आहे। देखा माधवी 6:10 हुए लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। आया कोई तो भी आया, कौन है? ओहो मानसी कांग्रेस बेटा, यू आर द फर्स्ट वन टू ज्वाइन। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू क्या थैंक यू, 10 मिनट लेट हुई हो तुम। सॉरी सर।
अरे अरे धीरे धीरे सब आ रहे। हाँ कर लिया जॉइन सबने? सॉरी सॉरी सर, वो डांस क्लास था ना तो थोड़ा सा लेट हो गया। ओ, और मानव? हाँ सर। तुम तो हमेशा की तरह डायरेक्ट नींद से उठकर ही आ गए हो। सर वो थोड़ी सी आंख लग गई थी। माधवी, ईशान के पेरेंट्स का मैसेज है, बोल रहे कि हम लोग आज बाहर जा रहे हैं इसलिए ईशान क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अरे हाँ क्या प्रकार है? तो क्या बोलूं? ओ हेत राजा, कैमरा तो ऑन करो। हाँ सॉरी सर। सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया, घर पे गेस्ट आए तो उनके नाश्ता लेने जाना पड़ा। हाँ वो ज्यादा जरूरी था ना रोहन, पढ़ाई तो जरूरी है ही नहीं। सर आप ही ने तो सिखाया, अतिथि देव भव। ये बोला ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था आज मैं मैथ्स की टेस्ट लेने वाला हूँ, तो सब लोग तैयार है? यस सर। यस सर। सो बिफोर आई बिगिन द टेस्ट मैथ्स की थोड़ी एक्सरसाइज ले लेते हैं। हाँ यस सर। जी हाँ तुम बताओ 18 का स्क्वायर क्या होता है? आई नो सर, इट्स 36। ठीक से सवाल सुनो मेरा जिया, मैंने 18 प्लस 18 नहीं पूछा, 18 का स्क्वायर यानी कि 18 इनटू 18 पूछा है। सॉरी सर वो जल्दी जल्दी में मुंह से निकल गया, ये मुझे आता है। तो बताओ। इसका आंसर है 324। यस सर, सॉरी सर, अगली बार से एकदम अच्छे से याद करके रखूंगी। अच्छा मानो अभी तुम बताओ। यस सर। फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर पैरामीटर क्या होता है? वेरी इजी सर, इट इज साइड स्क्वायर। आर यू श्योर? यस सर 100% श्योर। गलत, लगता तुम अभी भी नींद में हो। फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर पैरामीटर इज इक्वल टू 4a। यस सर यू आर राइट, वो क्या है ना मैं दोनों फॉर्मूला में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर रिवीजन ठीक से की होती है ना मानो तो कंफ्यूजन नहीं होता। अच्छा दीदी अभी तुम बताओ, x square minus 5 is equal to 31. Okay, ठीक से सुनो। x square minus 5 is equal to 31. So what is the value of x? नहीं ठीक, तुम्हें कुछ पूछा मैंने? सॉरी सर मुझे इक्वेशन के सम आते ही नहीं है। चैली मानसी रोहन, अरे कोई तो बोलो, कोई तो बताओ इसका आंसर। सर वो अरे कमाल है, इसका आंसर तुम्हें मुंह जबानी आना चाहिए, आंसर इज 6। अरे वाह सर वेरी गुड। अरे वेरी गुड क्या वेरी गुड, मुझे क्या वेरी गुड बोल रहे हो? कठिन है मैथ्स की सिंपल एक्सरसाइज, तुम लोगों को आती नहीं है, मैथ्स की एग्जाम क्या खाक दोगे? आज चल रहा है बगीत लगा तुम्हें। सॉरी सर। सॉरी मैंने बोला था कि सब रिवीजन करके आओ, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी ने भी रिवीजन की है। वो सर। बस बस जिया रहने दो, तुम लोगों के पास कोई ना कोई बहाना तैयार ही होता है। सॉरी सर। सॉरी क्या सॉरी, किसी के लिए डांस क्लास जरूरी है, किसी के लिए मेहमान के लिए खाना लाना जरूरी है, किसी को नींद बहुत प्यारी है, किसी को बाहर जाना जरूरी है। मानसी तुम्हें याद था ना मैं आज टेस्ट देने वाला हूँ? सर याद तो था लेकिन अचानक ना घर पे गेस्ट आ गए थे। सॉरी सर। तुम सबको ना अंग्रेजों का आभार मानना चाहिए, मस्त वर्ड देके गए वो सॉरी, मन का कुछ भी करो और बाद में बोल दो सॉरी। सॉरी सर। ये बग। ना तुम लोग को पढ़ाई करनी है, ना रिवीजन करनी है, ना तैयारी करनी है, ना टाइम टू टाइम क्लास को ज्वाइन करना है, तुम लोग को करना क्या है आखिर? अहो सावकाश रजना। ओ हेत, तुम्हारा कैमरा फिर से ऑफ कर दिया तुमने, ऑन करो कैमरा, ऑन करो। ए हेत जल्दी गेम खेलना, रुक क्यों गया? गेम खेलना मतलब ए, तुम गेम खेल रहे थे? हेत देखा माधवी देखा, यहाँ पे मेरी जान चल रही है, चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया हूँ और यहाँ पे गेम खेला जा रहा है। ए, तुम चालू क्लास में गेम कैसे खेल सकते हो? नहीं सर वो। चुप रहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाओ। सर वो बाहर गए। मैं क्या करूँ, कैसे पढ़ाओ इनको? सर आप पढ़ाने का इतना टेंशन क्यों लेते हो? अरे कमाल है रोहन, अगर मैं पढ़ाने का टेंशन नहीं लूंगा तो तुमको पढ़ाएगा कौन? सर आप टेंशन मत लीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर नेट पे मिलता है और स्टडीज के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, उसमें सब मिल जाता है। ओहो वेरी गुड, शाबाश, मतलब तुम लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं तुम लोगों को पढ़ा क्यों रहा हूँ? नहीं नहीं सर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं, मैं समझ गया तुम लोग का मतलब, मैं अच्छी तरह समझ गया। पढ़ाई के अलावा हर जगह पे तुम लोग का दिमाग अच्छे से चलता है। नहीं अब मुझे कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा।
हाँ, आज रात को ठीक 8:30 बजे मुझे हर एक के पेरेंट्स ऑनलाइन मीटिंग के लिए चाहिए। नहीं, 8:30 बजे मुझे हर एक जन अपने पेरेंट के साथ चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स फाइनल। दोस्तों, आपने कभी उबलते दूध को देखा है? जब बहुत ज्यादा उबल जाए तो बर्तन से बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ही भिड़े का गुस्सा आज बाहर आ गया है। उसने शरारती बच्चों के पेरेंट्स को मिलने बुलाया है। पानी सर से ऊपर चला गया है क्योंकि बच्चों को समझाना भिड़े के लिए भैंस के आगे बीन बजाने जैसा हो गया है। अब भिड़े ने कहा कि उसने एक कठोर निर्णय लिया। वो कठोर निर्णय क्या है ये तो भिड़े ही बता सकता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अब स्थिति कंट्रोल में नहीं है और अब भिड़े क्या करने वाला है, क्या होगा उसका निर्णय। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि निर्णय चाहे जितना कठोर, आपके घरों में जो हंसी होगी वो बड़ी कोमल होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। अरे कैसे रहूं कूल, बोलो कैसे रहूं कूल। साल भर पढ़ाता हूँ, रोज चिल्लाता हूँ, रोज समझाता हूँ, लेकिन फर्क नहीं पाता हूँ। कूल 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 भिड़े सर कूल, कूल 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 भिड़े सर कूल। कैसे रहूं कूल, कैसे रहूं कूल। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।